I am Jatin Singh, the sole proprietor of AJ Institute, and you are watching my channel AJ Institute. आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं डेट इज AOD. एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ AOD means application of derivatives. And in application of derivative we have to cover three topics. The first one is increasing and decreasing. The second one is maxima and minima, and the third one is tangent and normal. So ये तीनों ही टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड CBSE में इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अराउंड 10 मार्क्स का ये जो चैप्टर है वो कवर अप होता है. पहले इसमें 5 टॉपिक्स होते थे, रेट ऑफ चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन, बट अब इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक है, द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा एंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल. जो आज हम कवर अप करने वाले हैं सबसे पहले डेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन वी विल कवर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द थर्ड वन इज टेंजेंट एंड नॉर्मल. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन दोनों का रिलेशन है, मीन्स ये दोनों एक साथ पढ़े जा सकते हैं. टेंजेंट एंड नॉर्मल थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, बट उसमें डिफ्रेंसिएशन यूज़ हो रहा है इसलिए हम उसमें AOD में उसको कवर अप करते हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है. हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं. यू नो वेरी वेल दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन डिपेंड अपॉन दिस वेरिएबल. सो जो फंक्शन की वैल्यू है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है. जिस तरह से फंक्शन की वैल्यू बदले, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू आप बदलेंगे उसी तरह से आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी. एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ फंक्शन लाइक दिस. अब ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये वेव्स बना रहा है, इसलिए इट मीन्स डैट यहाँ पे कर्व्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे कर्व्स. इसका मतलब है कि ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन, क्योंकि अगर ये लीनियर फंक्शन होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता, बट अगर अब ये पॉलीनोमियल फंक्शन है सो इट मीन्स ये एक कर्व को ड्रॉ करें. अगर हम इस फंक्शन में देखें सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रही है, मतलब एक पीक लेवल तक पहुंच रही है, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. डिक्रीज होने पर ये एक सर्टन पॉइंट तक डिक्रीज होती है, देन ये अगेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ता है फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो शेप से ही हमें पता चल रहा है कि इस फेज में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग. वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, देन फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, सो इट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग. देन वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, देन उसके बाद आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो अपने एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है और ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. आपको याद रखना है कि एक फंक्शन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वेव वो किस तरह से बना रहे हैं. इसमें अगर हम बात करें मिनिमम की तो मिनिमम वैल्यूज भी बहुत सारी हो सकती हैं. तो आपने देखा कि एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है. तो इनसे रिलेटेड हमने दो टॉपिक बनाए हैं, द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, द सेकंड वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमम. पता कैसे चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, मैक्सिमम कैसे हो रहा है और मिनिमम कब हो रहा है? इसके लिए हमें निकालना पड़ता है f'x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन. आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. अगर आप f'x निकालते हैं और f'x की वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन जीरो आती है, और अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, या फिर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हो रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आती है. सो हमारे पास ये तीन केसेस हैं, यानी कि हमारा जो f'x है वो इन तीन पर्टिकुलर केसेस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनकी वैल्यूज पॉसिबल है. अब आप यहां पर देखें, व्हेन द वैल्यू ऑफ f'x इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस f(x) इज इंक्रीजिंग. इफ द वैल्यू ऑफ f'x इज लेस देन जीरो देन f(x) इज डिक्रीजिंग. बट इफ द वैल्यू ऑफ f'x इज जीरो देन द फंक्शन कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम. जब मैं आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम बताऊंगा उस टाइम मैं आपको एक इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन बताऊंगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा. ये सिर्फ
एफ डैश एक्स जब जीरो होता है सिर्फ आपको तब ये पता चलेगा कि फंक्शन जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उस पर मैक्सिमम है या मिनिमम, बट उसको हम श्योर करने के लिए मतलब उस चीज को एग्जैक्टली पता लगाने के लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ता है जो कि मैं मैक्सिमम मिनिमम में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सीधी सी बात है, ये आपका हो गया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो पे इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो पे डिक्रीजिंग। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि हमें इनमें किस तरह से क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस को कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे, मैं आपको वो कैटेगरीज बताता हूं। अगर हम बात करें कैटेगरीज की, सो वी हैव वी विल फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन टू फंक्शंस, एल्जेब्रिक यू कैन से पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री। सो ये दो तरह के फंक्शन हमें बेसिकली पढ़ने हैं, हालांकि लॉगरिथम भी होता है, एक्सपोनेंशियल भी होते हैं, बट मेजर हमें ये दो टॉपिक्स मतलब दो तरह के फंक्शंस को कवर अप कर। इन दोनों में भी हमारे पास दो दो कैटेगरीज हैं, एक प्रूव दैट, प्रूविंग यू कैन से दैट शो दैट, शो दैट क्वेश्चंस, एंड द सेकेंड वन इज फाइंडिंग इंटरवल। सिमिलरली इन ट्रिगो वी हैव शो दैट क्वेश्चंस एंड द सेकेंड वन इज फाइंडिंग इंटरवल्स। सो ये चार तरह की कैटेगरीज आपको पढ़नी है, मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने इसे चार तरह से फोर टाइप्स में मैंने इसे डिवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, शो दैट, फाइंडिंग इंटरवल, सिंपल, राइट। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे शो दैट आप एल्जेब्रिक में पढ़े या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, आपको एफ डैश एक्स जब निकालेंगे उस समय एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट नहीं करना, सिंपल। ये मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब भी बताऊंगा कि जब भी आप शो डेट वाले क्वेश्चंस करेंगे उस समय जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे उसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना, आपको जीरो के इक्वल पुट कब करना है, जब आप इंटरवल्स फाइंड आउट करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप शो डेट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल नहीं पुट करना, बट अगर आप फाइंडिंग इंटरवल्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, सिंपल, राइट। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस में हम पढ़ते हैं इंटरवल्स वाले क्वेश्चन, सिंपल। आज देखते हैं पहले ये वाला, नेक्स्ट वीडियोज में हम इनके बाकी टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे ताकि वीडियो भी छोटी रहे और आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ भी आए, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो बोरिंग, इससे बढ़िया कि हम एक एक वन बाय वन सारे टॉपिक्स को क्या करते जाएं, कवर अप करते रहें और हमारी एक पर्टिकुलर सीरीज बनती जाए, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब हम करने वाले हैं फाइंडिंग इंटरवल क्वेश्चंस। ये हमारे पास वर्कशीट है, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप सभी को ये मिल जाएगी। चलिए, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच function is increasing or decreasing। So आपको ये बताना है कि हमारा जो function है वो increase कब हो रहा है और decrease कब हो रहा है। तो चलिए एक function ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x। तो हमने एक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक quadratic equation ली है, मतलब quadratic function ली है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हमने दो तरह की कैटेगरी पढ़नी है, शो डेट एंड इंटरवल्स वाले। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब है हमें एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, और अगर यही क्वेश्चन शो डेट में होता तो हमें एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट नहीं करना। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वी विल डू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन।
अब जिन्हें नहीं पता मैं पहले बता दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी अलजेब्रिक फंक्शन इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, बेसिक डिफरेंशिएशन जो आप 11th में भी पढ़ते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स विल रिमेन सेम, मीन्स सिक्स विल रिमेन सेम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन. सिमिलरली 2 will remain same and differentiation of x square is 2x. कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने 10 का तो 0 कर दिया बट 6 को 0 नहीं करा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 1, सिंपल. सो 2 विल रिमेन सेम, द डिफरेंशिएशन ऑफ x square इज 2x. नाउ सिंप्लीफाई दिस, this is minus 6 minus 4x, right? Now put f dash x is equal to 0, क्योंकि हमें intervals निकालने हैं, इसलिए f dash x निकालने के बाद आपको इसे 0 के equal put करना है. So this is minus 6 minus 4x is equal to 0. Now find the value of x. I will transfer minus 4x in the right hand side. It will convert into positive. So the value of x is minus 3/2. अब आपके पास एक वैल्यू आई है x की, दैट इज माइनस 3/2. इस वैल्यू पे तो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा, हमें इस वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर. क्योंकि जो x की वैल्यू आपकी, ये जो x की वैल्यू आपकी आई है, ये f डैश x को 0 इक्वल पुट करने पर है. इसका मतलब कि अगर हम इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है, बट f डैश x की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो तो मैक्सिमा मिनिमा होता है, मैंने आपको बताया था. इसका मतलब अगर आपको इंक्रीजिंग निकालना है और डिक्रीजिंग निकालना है तो इस वैल्यू को छोड़ना होगा, मतलब आपको इसको नहीं लेना. तो अब आपको कौन सी वैल्यूज लेनी है, आपको लेनी है अदर देन माइनस 3/2, मतलब माइनस 3/2 से लेफ्ट साइड जितने भी नंबर हैं, राइट साइड जितने भी नंबर हैं, इट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 एंड माइनस 3/2 टू इंफिनिटी, सिंपल. तो हमारे पास कितने इंटरवल्स बन गए, 2 इंटरवल्स बन गए. और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ एफ डैश. अब आपको रफ में क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि अगर मैं इन इंटरवल में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू लूँ और इस फंक्शन में मैं पुट करूँ तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है. वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बट आपको देखना है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव. चलिए चेक करते हैं. मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख देता हूँ. एफ डैश एक्स इज माइनस 6 माइनस 4x. अगर हम इस इंटरवल में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को कंसिडर करें, ये माइनस 1/5 है, माइनस 1/5 से छोटी ले लो माइनस 2. तो अगर मैं यहाँ पर माइनस 2 पुट करूँ, दिस इज माइनस 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8, दिस इज प्लस 2. तो आप देख सकते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 पुट करने पर पॉजिटिव 2 आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है. तो प्लस में आ रहा है तो हम ये लेंगे प्लस, मतलब कि यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेंगी. इसके अलावा आप कोई भी वैल्यूज ले लो, आपका प्लस ही आने वाला है. आपको याद रखना है इंटरवल्स कॉन्जिक्यूटिवली में चेंज होता है साइन. अगर आपको एक इंटरवल पता चल गया तो दूसरा उसके अपोजिट ही होगा 99% केसेज में. एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैं, वो मैं बताऊंगा. तो आप देखेंगे इसमें फिर भी चेक कर लेते हैं, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं. तो माइनस 3/2 से बड़ी वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं. तो अगर मैं फंक्शन के अंदर 0 पुट करूंगा, दिस इज माइनस 6 माइनस 6 माइनस 0. सो आप देख सकते हैं हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव लगाया. अब आपको स्टेटमेंट लिखने नहीं, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं क्योंकि हमें माइनस 3/2 को कंसीडर नहीं करना. सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. सिमिलरली हम यहाँ एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, इफ एक्स बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज
less than 0, so fx is decreasing. Simple. क्योंकि हमारा f dash x के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बस यही है. ये था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली. बाकी जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड होंगे सारे के सारे. एक क्वेश्चन हम और देखते हैं फिर हम इस वीडियो को क्लोज स्टॉप करते हैं. अब ये हमारी फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेंदी चल गई, बट नेक्स्ट वीडियो जितनी भी होंगी वो पॉइंट टू पॉइंट होंगी, ताकि आप वीडियो जब देखें तो छोटी में ज़्यादा समझ आता है. चलिए एक और फंक्शन देखते हैं. चलिए द नेक्स्ट वन इज ओके. लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, अब इस बार हम लेंगे क्यूबिक. एक क्यूबिक में एग्जांपल देखते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30. तो आप देख सकते हैं इस बार मैंने थोड़ा जो पॉलिनोमियल है वो इसमें डिग्री हमारे पास 3 है, तो लेट्स सी इसके अंदर इंटरवल 2 से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि जितना बड़ा पॉलिनोमियल होता जाएगा उतने ही ज़्यादा इंटरवल्स बनते जाएंगे. तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हमें फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 विल रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x², क्योंकि जो पावर है वो आपका एज अ कोफिशियंट आ जाएगी और 3 माइनस 1 इज 2. सिमिलरली माइनस 6 विल रिमेन सेम, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज 2x, 2 आपका एज अ कोफिशियंट आ जाएगा एंड पावर में से 2 माइनस 1 कर देंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 30 इज 0 बिकॉज 30 इज कॉन्स्टेंट. सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72. अब आप चाहें तो यहाँ पे 12 कॉमन ले सकते हैं. 12 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6. सो आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब आप इसे जब पुट करेंगे या इसके आप फैक्टर्स बना लीजिए. अगर मैं इसके फैक्टर्स बना लूँ यहाँ पर, मतलब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए आप. सो x² माइनस x, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2. ये हमारे फैक्टर्स बन गए. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है इंटरवल्स की फॉर्म में तो आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 निकाल पुट करनी पड़ेगी. सो द एफ डैश एक्स इज दिस. नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. जब आप बेटा 12 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही, मतलब 12 0 बन जाएगा और आपके पास जो दो फैक्टर्स बचे डेट इज एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 3 विल बी पॉजिटिव 3 एंड प्लस 2 विल बी माइनस 2. इट इज लाइक दिस सिंपली. अब इन दोनों वैल्यूज को आपको नहीं कंसिडर करना है, इनके अलावा बाकी सभी वैल्यूज को आपको कंसिडर करना है. लाइक अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन फर्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी, देन माइनस 2, देन 3 एंड देन इन्फिनिटी. अब आपके पास ये सारे इंटरवल्स बन गए. अब इन इंटरवल्स में, मतलब 3 इंटरवल्स है आपके पास. अब आपको इनमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव. इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बॉक्स बना के बताता हूँ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ना कि एफ डैश एक्स जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग साइन निकाल के मल्टीप्लाई कर दूँ तो आसान हो जाएगा. तो मैं एक छोटा सा बॉक्स बना के दिखाता हूँ. आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इंटरवल्स. इंटरवल्स चेक कीजिए कौन कौन से, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इंटरवल्स हो गए. फैक्टर्स लिख, अब बनाएंगे हम फैक्टर्स कि एफ डैश एक्स किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एक्स माइनस 3 के ऊपर और एक्स प्लस 2 के ऊपर. अब एक और कॉलम बनाएंगे जो कि एफ डैश एक्स का होगा. इसका मतलब इन दोनों के बेसिस पर जो साइन आएंगे उससे एफ डैश एक्स का साइन निकलेगा, और जब एफ डैश एक्स हमें पता चल जाएगा तो हमें एफ एक्स का नेचर भी पता चल जाएगा.
हमें नेचर ऑफ एफ एक्स भी पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं, आपको इन दोनों के बेसिकली साइन निकालने। आप देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, दैट इज माइनस थ्री। अब माइनस थ्री इसमें पुट करो एक्स में, तो माइनस थ्री माइनस सिक्स। आपको वैल्यू नहीं देखनी, आपको बस ये देखना है कि साइन क्या है। तो आपने देखा माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस थ्री प्लस टू माइनस, ठीक है। फिर माइनस टू से थ्री के बीच में वैल्यू आपको लेनी है, जीरो ले लेते हैं। जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, जीरो प्लस टू प्लस थ्री। टू इन्फिनिटी में आपने एक वैल्यू लेनी है, डेट इज फोर। फोर माइनस थ्री प्लस वन, फोर प्लस टू प्लस सिक्स। अब आपको आपने देखा कि ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करके एफ डैश एक्स निकल जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। आप देख सकते हैं ये कॉन्जिक्यूटिवली, अगर एक पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये मैंने आपको बताया था। सो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है इंक्रीजिंग। सो लास्ट में आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे that f x is increasing in this interval and this interval। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन, मैं यूनियन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई थ्री टू इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन, और हमारे डिग्री माइनस टू टू थ्री। सो ये बस इस तरह से हम करेंगे। हो सकता है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको डिग्री उसकी फोर दी जाए, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक। उस क्वेश्चन में आपके जो फैक्टर्स बनेंगे तीन बनेंगे और इंटरवल्स चार बनेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। मैं इसे अपलोड कर दूंगा ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर पाएँ। और अब तो पैटर्न भी हमारा एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो हम इनके एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको ये एल्जेब्रिक फंक्शंस जो हैं इनका समझ आया कि कैसे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है। इसके बाद वाली वीडियोस में हम बेसिकली देखेंगे इनके बाकी जो मैंने और तीन टॉपिक्स रहते हैं उनको हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।